अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आए हैं आज आपको बहुत ही आसान सी एक रेसिपी सिखाना जा रही हूँ, जिसका नाम है चिकन आलू का सालन, जो अक्सर घरों में बनता रहता है बहुत, लेकिन सबके बनाने का अलग स्टाइल होता है, अलग रेसिपी होती है। तो मेरी रेसिपी अलग है, मैं इस वजह से आपको सिखाना चाहती हूँ। आए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मिल सकें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, चिकन 1/2 kg, प्याज ले ली हमने दो अदद दरमियाने साइज़ की, आलू ले लिए हैं, ये आप बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 बड़े आलू ले लिए हैं, काट दिए। दही ले लिया है 1 कप, ज़ीरा, और ये मैंने इलायची के 2 अदद इलायची के दाने, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और इसमें मैंने जायफल जावित्री 1-1 चुटकी ले ली है। ये मैंने ले लिया है अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, धनिया 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 अदद बड़ी इलायची, पिसी हुई मिर्चें, या आप अगर मिर्चें ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो अपने हिसाब से डाल लें, मैंने वैसे 1 टेबल स्पून लिया। हल्दी 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़ायका, ये मैंने दालचीनी ले ली है 2 टुकड़े, और 4 अदद मैंने काली मिर्चें, और 2 अदद लौंग। गार्निश के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया ले लिया है, ऑयल ले लिया है 1/2 कप। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे, और उसमें हम प्याज डाल के ऑयल डाल के हम गरम करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको पिंक कर देंगे। प्याज को पिंक करके हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये हमारी प्याज अब लाल होने लगी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, ज़्यादा लाल नहीं करनी है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करनी है, उससे सालन का रंग ख़राब होता है और हल्की सी करवाहट आ जाती है। तो ये हमने इसको अब निकाल लेना है। ये हमने प्याज निकाल ली है, अब इसको हम ग्राइंडर में डाल के दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा मसाला पिस गया है, अब इसको हम पकाना शुरू करते हैं। अब हम बचे हुए ऑयल में अदरक लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा भून के इसमें हम अब सारे मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें,
और ये गरम मसाले और पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला। इसको 2 मिनट भून के इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे। पानी हम इस तरह से डालते हैं कि मसाला जले नहीं, जल जाएगा तो एक तो कड़वाहट आ जाएगी और दूसरा रंग खराब हो जाएगा इसका। मसाला भून गया है, अब इसमें हम ये प्याज जो हमने पीस के रखी थी ये ऐड कर देंगे। इसमें हम प्याज और दही का मिक्सर डाल दिया पूरा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अब हमें पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसका हम ढक्कन खोलेंगे, अच्छा चला कर देखेंगे। इसमें अब हम आलू डाल देंगे ताकि ये गल जाए थोड़े से, फिर हम चिकन डालेंगे। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। और पकने के लिए छोड़ देंगे। आलू हमने पहले इस वजह से डाले थे क्योंकि आलू बहुत देर में गलते हैं, चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हमने डाल दिया। अब इसको हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन और आलू दोनों चीज़ें गल जाएं। अब हम इसमें ये डालेंगे, ये जायफल, जावित्री और ज़ीरा जो था उसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है, अब इसमें डाल देंगे। और ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे आलू और चिकन जो है वो गल रहे हैं, ये हमारा अब तैयार है। अब इसमें हम हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। और इसको ढककर से 2 मिनट के लिए पका देंगे ताकि हरा धनिया और हरी मिर्ची की खुशबू पूरे सांभर में अच्छे से आ जाए। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि और वीडियोस आपके आगे आ जाए, आपको दिखाई दे। ये हमारा सालन तैयार है, हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। आलू भी गल गए हैं और चिकन भी गल गए। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।